रश्मि पांचाल एक बार फिर हाजिर हूँ आपके साथ बड़ी ताजा खबरों को लेकर। चलिए सबसे पहले डालते हैं नजर आज की ताजा बड़ी खबरों की ओर। उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल की जिला स्तरीय बैठक समेत व्यापारियों व पुलिस का सम्मान समारोह आयोजित किया गया। लूटकांड का खुलासा करने में सफलता पाने वाली पुलिस टीम को सम्मान के दौरान अपर पुलिस अधीक्षक नवीन कुमार सिंह ने कहा कि व्यापारियों की मदद से ही लुटेरों को पकड़ने में मदद मिल सकी है। सभी व्यापारियों को चाहिए कि वह अपने प्रतिष्ठानों में सीसी कैमरे जरूर लगाएं। इस दौरान अपर पुलिस अधीक्षक समेत क्षेत्राधिकारी कोतवाल व अन्य पुलिस कर्मियों को व्यापारियों ने सम्मानित किया। इसके साथ ही गुरबख्शगंज डलमऊ सेमरी महारानीगंज लालगंज आदि जगहों के 2 सैकड़ा के लगभग व्यापारियों को सम्मानित किया गया। इस मौके पर व्यापार मंडल के प्रदेश उपाध्यक्ष बसंत सिंह बग्गा, नगर पंचायत अध्यक्ष सरिता गुप्ता, पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष राम बाबू गुप्ता व व्यापार मंडल के जिलाध्यक्ष रोहित सोनी लाला, नगर अध्यक्ष विवेक शर्मा समेत अप्पू शर्मा, प्रतीक शर्मा, शिवम गुप्ता, मोहम्मद परवेज, विनोद गुप्ता, महेश सोनी, रौनक भदौरिया आदि भारी संख्या में व्यापारी मौजूद रहे। लालगंज व्यापार मंडल के सभी पदाधिकारियों द्वारा पुलिस के सम्मान में ये समारोह आयोजित किया गया था और पिछले माह के 19 तारीख को जो घटना हुई थी लूट की घटना, उसी के वर्कआउट में और बहुत अच्छा रहा। यहाँ के समाज और व्यापारिक बंधु और सब लोगों के द्वारा जो मित्र पुलिसिंग का है और पुलिस की जो वर्कआउट के संबंध में, घटनाओं के वर्कआउट के संबंध में जो सहभागिता रही बहुत अच्छी रही और बहुत प्रसन्नता होती है कि इस घटना में यहाँ के लोगों ने बढ़ चढ़ करके सहयोग किया और हम अपेक्षा करते रहेंगे कि यहाँ के व्यापारिक बंधुओं द्वारा, यहाँ के आम नागरिकों द्वारा और सभी के द्वारा अगर ऐसी भविष्य में कोई घटनाएं होती हैं तो बढ़ चढ़ करके अपने सहयोग करेंगे। हम अपेक्षा भी करते हैं अपने पुलिस बंधुओं से भी कि निरंतर गश्त पिकेट करते रहेंगे और अपनी ड्यूटी करते रहेंगे कि भविष्य में ये घटनाएं ना होने पाए। सर पुलिस की बड़ी सराहना होगी, लेकिन अगर बात कोतवाली की तो देखा जाए कि जिस तरीके से बड़े होने के बाद भी ड्यूटी नहीं पा रहे, बिल्कुल इस मामले में तो हम कहना चाहेंगे और हमारे पुलिस अधीक्षक महोदय ने भी इस बात को स्वीकार किया था। हम और सर आपस में डिस्कशन भी उस दिन कर रहे थे कि हमारे कोतवाल लालगंज शिवशंकर के पिताजी का उस दिन हॉस्पिटल में एडमिट भी हुए थे, बाद में देहांत भी हो गया था, लेकिन उन्होंने फर्ज को प्राथमिक स्तर पर रखा और आम जनता के दुख दर्द को प्राथमिक स्तर पर रखते हुए प्रथम कर्तव्य उन्होंने निभाया। उसके बाद हम लोग उनको मौका दिए कि जा करके अंतिम संस्कार कर आए, तो लेकिन जाते समय भी विचलित थे कि सर हमको छोड़ करके जाने का मन नहीं हो रहा है, लेकिन हम लोगों ने कहा कि वो जा करके किए। बहुत अच्छा लगता है जब अपने बीच का कोई भी कर्मचारी या अधिकारी अपने फर्ज को प्राथमिक स्तर निभाते हुए इस तरीके का कार्य करते हैं।